हेलो दोस्तों, तो आज की इस यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो लोग GCERT का मंथली असाइनमेंट करना चाहते हैं, क्लास सेवेंथ का हिंदी का ये मंथली असाइनमेंट का आंसर है। इस वीडियो में आपको मिलेगा हिंदी का केवल, ठीक, और इंग्लिश ये सब धीरे धीरे ये सब का सब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पैराग्राफ पैसे जो भी है पढ़ लेना होगा आपको पहले, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। साधारण जनता के बीच में या फिर अपने गुरु के हर्जत अलियों के पास मिलता था, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, जनसाधारण के बीच और अपने गुरु के पास जाने से, ठीक। एक नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खुसरो जन सामान के पास जाते थे तब कैसा व्यवहार करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उनसे घुल मिल जाते थे। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से ये चीज़ को पढ़ सकते हैं। जनसाधारण के बीच पूरी तरह लोगों से घुल मिल जाते थे, ठीक। इसका बी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सॉरी दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो का मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें ये मुहावरा दिया हुआ, मैदान मारना, आग में कूदना, दिमाग खाना और लहू सुखाना, ये सब मुहावरा है। इसमें से किसी दो मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, अर्थ बताना है, साथ ही में उस अर्थ का, उस मुहावरा का एक वाक्य बनाना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो तीन नंबर का आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे होंगे, मैदान मारना, इसका अर्थ होता है सफल होना। जब तक मैदान नहीं मार लेता तब तक पढ़ाई बेकार ही मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपकी पढ़ाई बेकार ही मानी जाती है, ठीक। और दूसरा मैं मुहावरा बनाऊँ कि आग में कूदना, इसका मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। रंजीत हर किसी के लिए आग में कूदने को तैयार रहता है, मतलब रंजीत हर किसी के लिए मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार रहता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, तीन नंबर का। तीन नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चार नंबर क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन, लिखित गद्यांश में से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए कैसे लगेगा, क्या आप बोस से परिचित हैं? यहाँ पर एक विराम चिन्ह लग जाएगा, फिर बोस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यहाँ पर एक विराम चिन्ह लग जाएगा। बांसुरी बाँस से ही बनी होती है, यहाँ पर एक विराम चिन्ह लग जाएगा और एक लास्ट में विराम चिन्ह लग जाएगा, ठीक। चार जगह विराम चिन्ह लगेगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा पाँच नंबर का, आप आंसर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पाँच नंबर का आंसर है। इस पंक्ति का आशय यह है कि तलवार आत्मरक्षा का साधन है, ठीक। आज बिंडवान यह है कि व्यक्ति का हृदय इतना विषैला हो गया है कि आज उल्टा हिंसक पशुओं को मनुष्य के हाथ में तलवार नहीं हो, जब उसके खून में ही इतनी विषैली भावनाएं भरी है जिससे सब कुछ विनष्ट करने की शक्ति हो, और तलवार जैसी धार अगर उसके वाणी में हो तो बिना तलवार के ही मनुष्य खतरनाक हथियार है। इसका राइट आंसर आप ये चीज़ को नोट कर सकते हैं, ठीक। मैं स्क्रीन पर पूरा दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ है नहीं हिंदी में, अब रहा इंग्लिश, ठीक। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने पूरा वीडियो वॉच किया इसके लिए थैंक यू, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट हमें कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।